दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हर एक दिन स्मरण होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पाल। एक छोटी सी और खूबसूरत सी कहानी आप सभी लोगों के लिए। ये कहानी एक गरीब पिता और उसकी बिटिया की है। एक गरीब पिता अपनी बिटिया के साथ में एक महंगे से होटल में पहुंचा अपने शहर के। फटे पुराने से कपड़े उस व्यक्ति ने पहने हुए थे और उस बिटिया ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो सीधा स्कूल से ही उस बिटिया को लेके आ रहा था। जब वहाँ पर वेटर आया तो उसने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, आप मेरी बिटिया के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेके आइएगा बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेके आऊँ मैं। तो उस गरीब पिता ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बिटिया के लिए पार्टी है। मैंने उससे वादा किया था, अगर तुम पूरे ज़िले में 10th टॉप करोगी तो मैं आपको एक बड़े से होटल में एक बहुत अच्छी सी पार्टी दूंगा, आपको एक पाव भाजी खिलाऊंगा, तो आप बस उस बच्ची के लिए एक पाव भाजी लेके आओ। ये बात जब उस वेटर ने सुनी तो दौड़ करके वो अपने मालिक के पास गया और जाकर कहने लगा, सर एक छोटी सी दरखास्त है आपसे, आप मेरी सैलरी में से मेरा पैसा काट लीजिए, लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ। वो जो बच्ची और पिता उस टेबल पर बैठे हुए हैं, उसके पिता के लिए एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे ज़िले में टॉप किया है सर, गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे उसके पास है नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन अंकल जी को भी एक पाव भाजी खिलाई जाए। तो होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो, ये क्या बात कर रहे हो आप छोटी सी, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेके जाओ, उसके लिए भी लेके जाओ, और पैसे भी मत लेना उससे, 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक करा के भी उसको दे दीजिए, और 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे भी ले जाओ, और कहना उनसे कि ये पार्टी जो है होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है, उनसे कहना मोहल्ले में मिठाई बांटें, मोहल्ले में जश्न बनाएं, चिंता मत करें। जब ये बात उस होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश हो गया। उसने कहा, वाह कितने अच्छे मेरे मालिक के यहाँ जिनके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, बहुत दिलदार बंदा है, कितना अच्छा मालिक है मेरा। तो वो वेटर लेके पहुंचा 2 प्लेट पाव भाजी, तो वो गरीब पिता चौंक गया, अरे ये क्या, मैंने तो सिर्फ एक मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वेटर ने कहा, सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये सब हमारी तरफ से है, आपकी बेटी ने, हमारी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है। पिता और पुत्री खुश हो गए। कई साल इस बात को बीत गए, कई सालों के बाद में वो बेटी जो थी UPSC की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी। किस्मत थी, ऊपर वाले का करिश्मा था कि उसी शहर में उसका आना हुआ और ये कलेक्टर बन गई। तो उसने सूचना पहुंचा दी उस होटल में कि मैं आने वाली हूँ लंच करने के लिए आपके होटल में। होटल का जो मालिक था उसने पूरी जगह चर्चा फैला दी कि हमारे यहाँ कलेक्टर साहिबा आ रही हैं। गांव में बात फैल गई और उस कस्बे में जितने भी लोग थे वो सब पहुँच गए देखने के लिए। कलेक्टर पहुँची अपने साथ में अपने पिता को लेके। अब होटल के मालिक ये सब समझ नहीं पाया था, ये सब क्या है। कलेक्टर ने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, हम वही पिता और पुत्री हैं जो मेरे 10th क्लास के टॉप करने पर आपने पार्टी दी थी, हम वही पिता और पुत्री हैं, और आज वही समय है, और आज हम पार्टी देंगे अपनी तरफ से आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे शहर को। आपने गरीबी का सम्मान किया, आपने उस दिन ये पार्टी दी, मुझे बताया कि मुझे और कितनी ऊंचाई तक पहुंचना है और कितनी और ज़्यादा ऊंची मंजिल को छूना है, आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी, और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए यहाँ आई हूँ। ये मैडम जी कहती जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक और जो वेटर जो थे दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। क्या बात हुई, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। एक छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है, कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हो सके तो उसकी मदद करना, और मदद ना कर सको तो उसका कभी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नज़र में अच्छा बनिए। दोस्तों एक बार फिर से वही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ
अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, मैं सुनील कुमार पाल आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।